तो आज होगा गैस मुनु भाई का रूम टूर। ये है मुनु भाई का रूम। सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, फिर से और एक बार तो सुबह सुबह फाइनली मैं ब्रेकफास्ट भी खा चुका हूँ। अभी मुझे जाना है मुनु भाई के वहाँ पर घूमने के लिए। मुनु भाई बुला रहे हैं वहाँ पर जाने के लिए, तो चलते हैं। क्या करता है ये? ओके। हाँ गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मुनु का दीदी, कहाँ जा रहे हो अभी? ओके बढ़िया, ठीक है। हाँ ठीक है, ओके ओके। तो अभी यहाँ से कुछ लेके आते हैं सामान, और गैस खाली हाथ जाने के लिए शर्म लगता है मुनु भाई के वहाँ पर। तो चाय पत्ती चीनी वो लेके जाएंगे, क्योंकि मुनु का मामी दीदी ना बहुत चाय पीते हैं इसलिए, और कोल्ड ड्रिंक्स वोल्ड ड्रिंक्स तो लेके नहीं जाएंगे साथ। तो गैस आजकल ठंडा का मौसम आ रहा है इसलिए थोड़ा सर्दी भी हो सकता है, बस थोड़ा सा कुछ लेके जाते हैं यहाँ से। चिपी बस खाने का सामान, लेकिन कोल्ड ड्रिंक्स नहीं लिया होना, ठंडा का मौसम आ रहा है इसलिए बस। तो दोस्तों फाइनली पहुंच गया मैं मुनु भाई के घर पे, तो बहुत दिनों के बाद। गुड मॉर्निंग मुनु भाई। गुड मॉर्निंग दी अभी। कल रात थिएटर देखने के लिए गया। किस तरफ? इना पठार में। तो आज भी जाएंगे थिएटर देखने, का बाद बहुत रोया कल। तो उसके बाद सोया, सोने के बाद उठा, उठने के बाद अभी चलते हैं मार्केट पे। थिएटर के जितने भी लोग था जो अहम भूमिका निभाए थे सभी लोगों ने, वो लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि खाना खाने के लिए आएंगे बोल के। तो अभी कुक करना पड़ेगा कुछ, सब्जी वगैरह नहीं है घर पे, तो बाजार में जाना पड़ेगा लेने के लिए। एंड लेट्स एंजॉय गाइस। ठीक, अभी चलते हैं गाइस, और रेस्ट करते हैं, बात बात भी करते हैं। तो ये है मुनु भाई के घर। तो पूरा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने वाला है, तो वायरिंग बाकी है, तो पूरा धीरे धीरे। पहले यहाँ पर एक सीढ़ी था ना, इसको तोड़ दिया। या सीरियसली बताओ तो अपना सपना पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। ओहो, इतना भारी काम है बोलो तो। सुबह उठ के बिस्तर साफ करना, लेकिन मुझे बिस्तर साफ करने के लिए मुझे बहुत सुस्ती लगता है। अहम बात मैं खुद ही बोलता रहता हूँ कि दुनिया को अगर बदलना है तो सबसे पहले अपना बिस्तर को साफ करो। नहीं, बिस्तर सुस्ती लगता है मुझे, और ये मच्छर ने टांग के इधर इधर करना बहुत सुस्ती लगता है। मैं सीरियसली बता दो, ये मैंने सुस्ती के करने से मैंने ये नैप खोल ना, क्या होता पानी। अरे कल लेके आया अभी तो देखो। हां ये बढ़िया, थैंक यू। तो आज होगा गैस मुनु भाई का रूम टूर। ये है मुनु भाई का रूम। बिस्तर तो अभी तक लिया नहीं हूँ, बाद में लूंगा। सुबह सुबह आके बिस्तर पर दिया थे। नहीं नहीं, बिस्तर बाद में लूंगा, क्योंकि मतलब सीरियसली बताओ तो वायरिंग का पैसा आज ही खत्म हुआ है। देखिए जस्ट रिसेंटली पैसा घुसा था, वायरिंग का पैसा दे दिया खत्म, और उसके बाद पुटिंग का पैसा देना है, दरवाजा खिड़की का पैसा देना है। आंटी जी थैंक यू। सो हम लोग आए हैं इसमें मार्केटिंग करने के लिए। बिहार से बोलता है एक तो मंत्री आने वाला है इसलिए, तो उसको कुछ खिलाने के लिए, तो पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। आएंगे बोला था को, आएंगे बोला था कि इधर पे, तो देखते हैं आते हैं कि नहीं आते हैं। कहाँ गया मुनु भाई? उधर में शॉपिंग कर रहे हैं सब्जी। सो आखिरकार पहुँच गए हैं मार्केटिंग करके, ये पहुँच गए हैं। मुनु का तो मुनु भाई का घर अंदर कंस्ट्रक्शन में भी है, तो अभी तक कम्प्लीट नहीं होगा, तो बन जाएगा धीरे धीरे। और भैया तो जा रहा है अभी। ठीक है सर जी, जाइए। ठीक है, ओके। तो अभी मुनु भाई जाएंगे वो हमारे गांव की तरफ ही जाएंगे, तो हम लोग तो आज नहीं जाएंगे, कल ही चला जाएंगे यहाँ से गायन की तरफ से। तो अभी तो खाना बन के रख दिया है अगर मेरा दोस्त लोगों ने, तो रहते रहते मतलब ट्रांजिट सेंस हो गया, अचानक पहुंच गया है आदमी, गैस पहुंच गया। वो लोग को घूमना बहुत जरूरी है, इसलिए मुनु भाई लेके जा रहा है हमारा गांव की तरफ में, मुनु के रिसोर्ट की तरफ में लेके जा रहा है। ठीक है सर भाई, आंटी जी। यहाँ पर स्नेल खोद रहा है, स्नेल बुच्चर। तो 3 किलो लेके आया, तो 3 किलो से कितना रुपये कमाएगा पता नहीं।
3 किलो से 3 हजार सही में? सही में उतना ज्यादा 1500 2000 सर। दोस्तों फाइनली मुनू भाई के वहां से आ चुके हैं और मुनू भाई चला गया वो बिहार का एक मंत्री के साथ, पता नहीं क्या मंत्री है वो, और अमरिंदर भाई के साथ चला गया मनोज का रेस्टोरेंट में। तो फाइनली तो खाना भी खा चुके हैं, खाना खाने का अपना रेस्ट कर रहे हैं गैस। तो और यहाँ पर बन रहा है स्नेल, काला वाला स्नेल, इतना डाला मिर्ची निकवा, इसका जितना भी कस्टमर ना सबका वो जलाने के लिए होगा ना। पूरा यहाँ पर मिलता है दायन पेसरी, इसका यहाँ मिलता है स्पाइसी वाला चीज़ें मिलते हैं, बहुत डिमांड है और इन्वेस्टमेंट भी मस्त है। ये कितना रुपये का? ये अभी कम से कम होगा, हम 240 का लाया लेकिन हम इसको बेचेंगे 2-3 हज़ार के ऊपर। इसे कहता है बिजनेस। तो गैस अभी चलेंगे बुआ जी का, वहाँ पर मेरा पिताजी का सबसे बड़ा दीदी है ना, मैं जब भी आता हूँ इस तरफ तो वहाँ पर जाता हूँ, घूम के ही जाता हूँ वहाँ पर। सो चलते हैं उस तरफ 6 नंबर की तरफ, और मेरी बुआ विधवा है वो, तो उसके लिए कुछ सामान लेके आते हैं। तो दोस्तों आखिरकार पहुंच गए हैं बुआ जी का घर पे। ये है बुआ जी, काफी बुरी हो गया उसका घर। बुआ जी विधवा है और एक लौटा बेटा है, वो भी दिल्ली में काम कर रहा है। तो सुपारी तो लग गया काफी, संतरा भी लग गया। लोकल चिकन नहीं, कोयलर चिकन। और यहाँ से एक नारियल तोड़ लिया है बुआ जी से, चल तू नहीं तो मंगा ना, चल लिए बस। सो यहाँ पर ना पूरा शांति लगता है, पूरा मस्त लगता है, कोई शोर शराबा नहीं है। तो निक का वहाँ पर, मुनवाई का वहाँ पर काफ़ी शोर शराबा होता है, और यहाँ पर ऐसा नहीं होता, पूरा शांति है, बस पक्षियों का आवाज़ है, और पूरा सुपारी का खेती का बीच में है बुआ जिलों का घर। और ये यहाँ पर संतरा दबा रही है, दबाओ दबाओ खूब। तो गैस अभी चलते हैं, बुआ जी तो अकेले हैं, इसको छोड़ के जाएंगे। एक ही बेटा है तो उसके लिए बहू पता नहीं कब लेके आएगा, लेकिन बुआ जी का बेटा शादी करना नहीं चाहता है, कुआरा रहना चाहता है। तो पहुंच गया फिर से आंगरा का रेस्टोरेंट पे। हाँ हो गया बाल, कितना रुपया लिया तो आंगरी? 10,000 बाल स्ट्रेट करने के लिए 2,000 और तजर्बे करना है का? नहीं करना है। यानी कि तुझे ब्यूटीफुल नहीं बनना है? नेचुरल चाहिए, ऑर्गेनिक। और यहाँ से लेते हैं बैंगन, किलो कितना? किलो 40। वाह, इसमें फार कुकिंग हो रहा है और काफ़ी गर्मी है। और यहाँ पर स्नेल तो कुकिंग हो चुके हैं ऑलरेडी, ब्लैक स्नेल। और हम लोग खाने के लिए बनाएंगे बैंगन ना, बैंगन बहुत मस्त लगता है। और मैं यहाँ पर बना रहा बैंगन पूरा बॉयल, और यहाँ पर तो है मटन ऑलरेडी बना हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर स्नेल ऑलरेडी है तो खाएंगे, ये भी बन रहा है, तो मुझे उससे बेहतर ये चीज़ लगते हैं। तो अभी खाते हैं डिनर, और ये तो मीट है, और ब्लैक स्नेल बैंगन, और ये नहीं खा रही है, स्नेल नहीं खा रही है ये। ए निकवा, नहीं खाएंगे खाना? नहीं खाएंगे, कस्टमर है इसलिए कस्टमर लोग खाने के बाद खाएंगे। तो हम लोग तो और दिखा चुके हैं खाना, तो कल तो हम लोग चला जाएंगे यहाँ से। चिली मैन बाय बाय। अभी निकाल बोलो। तो फाइनली खा पी के तो कंप्लीट हो गया। तो एक्चुअल में आज हम लोग शाम को जाने वाला था यहाँ से, और आंगरा आंगरे लोग वो लोग कह रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मत जाओ, तो इसलिए नहीं गया। तो कल सुबह यहाँ से निकल जाएंगे, जो पूरा मार्केटिंग करेंगे, उसके बाद यहाँ पर डायन मार्केट में, और हो सके तो मुनू भाई से मुलाकात करके जाएंगे। और मुनू भाई आज तो उसके साथ मैं दिन भर रहने वाला था, और रात तक ऐसे बात करते करते घूमते वीडियो बनाते, लेकिन अचानक से दोस्त आ गया, और उसमें बिहार का मंत्री भी आया,
इसी का वजह से मेरा साथ टाइम दे नहीं पाया, तो उसको जाना पड़ा हमारा गांव की तरफ, उसको घुमाने के लिए लेके गया। तो गाइस आज के वीडियो को अभी समाप्त करते हैं, तो मिलते हैं कल फिर से और एक नए वीडियो के साथ। तो बाय बाय दोस्तों और गुड नाइट, और बढ़िया से खाना खाना और मेरा तरफ पर बहुत खाना खाना और मजा से रहना और मजा से सोना।